नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। गंगा आरती जिसकी प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी वो वहां पर की जा रही है। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और देखिए गंगा जी की जो आरती की जा रही है वो मंत्रोच्चार खुद भी वो उसे करते हुए जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आपको बता दें जिस दशाश्वमेध घाट पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है वाराणसी के सबसे ओजस्वी घाटों में से ये एक है। इस घाट को लेकर पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसका निर्माण करवाया था और दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी गई थी और सांध्यकाल में गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट जीवंत हो उठा था। इस तरह की अलग अलग परंपराएं या जो पौराणिक कथाएं हैं हिंदू रीति रिवाज के साथ से वो आगे की ओर बढ़ती रही हैं और इसको लेकर अलग अलग बातें भी सामने आती रही हैं। लेकिन हर रोज आपको बता दें यूं ही गंगा आरती का आयोजन वहां पर किया जाता है और सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है। लेकिन आज मौका चूंकि खास है, मौका नरेंद्र मोदी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर वो भी गंगा की आरती में हिस्सा ले रहे हैं। बीच बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कुछ बातचीत भी करते हुए नरेंद्र मोदी से। मोदी जी का कुर्ता पूरी तरह से पसीने से लथपथ, चूंकि 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करके वो पहुंचे हुए हैं इस आरती में शामिल होने के लिए और हाथ जोड़कर माँ गंगा का आवाहन करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हुए बीजेपी के ये तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही। श्वेता सिंह के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। श्वेता, एक चीज तो महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी है, देखिए आज के अपने रोड शो के जरिए अपने विरोधियों को तो खबरदार कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, इतनी आसान नहीं रहने वाली है विरोधियों के लिए आगे की राह। श्वेता, नहीं, कम से कम वाराणसी का जो मैदान है वहां से तो विरोधियों ने पहले ही मैदान छोड़ दिया है। अब देखिए जो पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस ने उन्हें उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ऐसा नाम आया है जिससे लगता नहीं कि कोई चुनौती वैसी रहेगी सामने, तो बनारस में तो लगभग उनके लिए रण क्षेत्र है वो छोड़ दिया गया। आप दशाश्वमेध घाट की बात कर रही थी चित्रा, तो मैं बताऊं कि तमाम कथाओं के साथ मान्यता ये भी है कि राजा दीवोदास जो हुआ करते थे यहां पर उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब अश्वमेध एक यज्ञ ये भारतीय जनता पार्टी का है, देखना है उनका घोड़ा कितना आगे तक जाता है, क्योंकि यहां पर जब प्रधानमंत्री तालियों के थाप के साथ आरती गा रहे हैं साथ साथ में आप उनके होठों को हिलता हुआ भी देख रहे हैं जय गंगे माता, जब यहाँ पर इस धुन पर ये आरती चल रही है यहाँ अपने अंतिम पड़ाव में, आप ये जो इतने दियों के साथ जब अंत में ये आरती होती है, अब प्रधानमंत्री देखिए चित्रा वहां पर जो एक नया कंस्ट्रक्शन किया गया है जो फ्लोटिंग ब्रिज है, क्या प्रधानमंत्री उस ओर जाएंगे, क्योंकि ये नई चीज है जो इस घाट पर आपको जुड़ी हुई दिखेगी। अमूमन तो यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं जो कि अब कम ही सीढ़ियां दिख रही हैं, वहां से उतरते हैं गंगा जी का आचमन किया जा सकता है, अभी कवरेज के लिए भी उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या उस ओर जाकर हो, ये भी हो सकता है कि पहले का प्लान रहा हो कि उस ओर जाकर आपको गंगा आरती बिना नाव पर गए आपको यहां से उसका भव्य उसके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री साथ साथ में आरती गा रहे हैं, अब इसमें कौन युद्ध घोष देख ले ये उनके अपने मन की बात है। लेकिन एक और बात श्वेता मैं आपसे जानना चाहूंगी, वोटर गंगा किनारे वाला कार्यक्रम के जरिए गंगा किनारे बसे अलग अलग क्षेत्रों से आपने कार्यक्रम किया और खुद वाराणसी में आपकी और रंजना की इस वक्त मौजूदगी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे दर्शकों के लिए बताइए जो दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाता है कि अविरल निर्मल गंगा बनाने का हमने जो प्रण लिया था काफी हद तक हम उसमें सफल भी रहे हैं और आगे हमारे ये कारवां जारी रहेगा, इस बात में चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं कितना दम दिखाई दे रहा है? मैं दो तीन चीजें यहां पर बताऊंगी चित्रा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ध्यान नहीं रहता इसका, लेकिन जैसे हम गंगोत्री से उत्तरकाशी ये पूरा इलाका ध्यान करें, यहाँ की समस्याएं कम थी गंगा जी की अविरलता को लेकर, वहां तक बांध नहीं बना है, बांध जाकर टिहरी में बनता है। हरिद्वार में अवैध खनन की समस्या थी, वहां पर मैंने उन इलाकों में भी जाकर देखा और संतों से भी बात की जो भूख आमरण अनशन तक अपनी जान तक प्राण त्याग देते हैं, उन्होंने कहा अवैध खनन 90% बंद हुआ है। उसके आगे के इलाकों में आइए, अब जब हम कानपुर जो सबसे बड़ी समस्या वाले इलाके में पहुंचते हैं तो हमने अपने कार्यक्रम में भी दिखाया था कि किस तरीके से जो नाले थे उन्हें बंद किया गया, हालांकि इसी की वजह से टैनरी जो मालिक है वो बहुत नाराज थे कि उनके रोजगार पर अंकुश लगा है। लेकिन उसके आगे आइए प्रयाग में जब कुंभ का आयोजन हुआ सबने देखा, हालांकि जो वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर पानी की जांच को देखा जाए तो बहुत उत्साहवर्धक नतीजे नहीं है, लेकिन वहां 50% नालों को बंद किया गया है।
जहां तक वाराणसी का सवाल है, यहां पर एक बहुत, देखिए गंगा नदी का जिस तरह का स्वरूप है उसमें अगर आपके पानी के जहाज चलते हैं तो ड्रेजिंग होती है नीचे से आपका, वरना इतना गाद नीचे जम जाता है कि पानी शालो होते जाता है और फ्लड प्लेन में जाता है। तो अगर जहाज यहां पर संख्या बढ़ रही है वो एक शुभ संकेत होते हैं, लेकिन वाराणसी में नालों को बंद करने की प्रक्रिया अभी हुई नहीं है। इससे पहले पटना, वहां भी नाले आ रहे थे, ट्रीटमेंट प्लांट की भी आवश्यकता थी। अब इसके आगे का जो कारवां है, चित्रा, मंशा दिखी पर अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन हाँ मंशा दिखी जरूर है, काम कई जगह पर दिखा है, पानी कई जगह आपको निर्मल नजर आ रहा होगा।